लोगों का कार्टून जैसी हरकतें करना तो समझ आता है, लेकिन क्या आपका पाला ऐसे लोगों से पड़ा है जो एग्जैक्टली अपने फेवरेट कार्टून की जीरोक्स कॉपी लगे? जाहिर सी बात है कि कार्टून कैरेक्टर्स पूरी तरह खूबसूरत इमेजिनेशन से बनते हैं, लेकिन कभी कभी इमेजिनेशन रियलिटी का रूप ले लेती है और तब हमारे सामने आती है वो रेयर पर्सनालिटीज जिनका चेहरा हूबहू पॉपुलर कार्टून कैरेक्टर से मिलता है। जी हाँ, ऐसे लोग सच में एग्जिस्ट करते हैं जिन्हें भगवान ने वर्चुअल वर्ल्ड से उठाकर रियलिटी में रख दिया है। चलिए आज आपको कुछ ऐसे ही अनोखे लोगों से मिलवाते हैं जिन्हें देखने के बाद आपके मन में ख्याल आएगा कि कहीं मैं डिज्नी वर्ल्ड में तो नहीं आ गया हूँ। नंबर 10, रैपुंजल। कार्टून कैरेक्टर्स की बात आ ही गई है तो शुरुआत पॉपुलर कैरेक्टर रैपुंजल से करते हैं। बचपन में रैपुंजल जैसे दिखने की तमन्ना हर छोटी बच्ची करती है, लेकिन रशिया की डारिया गुबानोवा वो लड़की है जिन्हें बिना ख्वाहिश के भी रैपुंजल जैसा दिखने का वरदान मिला है। डारिया गुबानोवा की कहानी की शुरुआत तब हुई जब वो 14 साल की थी। उनके एक दोस्त ने उन्हें चैलेंज किया कि वो कभी बड़े बाल नहीं कर पाएगी, जिसके बाद डारिया गुबानोवा ने बाल कटवाने ही बंद कर दिए। 27 साल की होने तक उनके बालों की लंबाई पैरों तक पहुँच गयी। आज लंबे बालों के साथ उनकी शक्ल भी काफी कुछ रैपुंजल कैरेक्टर से मिलती है। डिज्नी प्रिंसेस के रूप में तैयार होकर जब वो अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालती है तो लोग उन्हें मॉडर्न वर्ल्ड की रैपुंजल कहकर बुलाते हैं। नंबर 9, प्रिंसेस मर्डिया। कभी कभी चेहरा आपको वो फेम दिला जाता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं करते। कुछ ऐसी ही हमें स्कॉटलैंड की केटलिन बॉयड के साथ भी देखने को मिला, जो अचानक यंग जनरेशन के बीच पॉपुलर हो गई। दरअसल वो डिज्नी प्रिंसेस मर्डिया की तरह दिखाई देती थी। आपको बता दे कि 2012 में डिज्नी ने एक नए कार्टून कैरेक्टर को लॉन्च किया जिसकी पहली झलक पर ही लोगों का दिल आ गया। कर्ली बालों वाली प्रिंसेस मर्डिया लोगों के बीच ट्रेंड करने लगी। कई लोग उसकी मासूम शक्ल के दीवाने हो गए, लेकिन ट्विस्ट तब आया जब रियल में केटलिन बॉयड की तस्वीरें वायरल हो गई। लोगों ने उन्हें प्रिंसेस मर्डिया से कंपेयर करना शुरू कर दिया। बता दे कि उनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा हो गई कि वो रेड कारपेट पर प्रिंसेस मर्डिया बनकर वॉक करती हुई भी नजर आई। नंबर 8, एल्सा फ्रॉम फ्रोजन। सोचिए आप एक आम जिंदगी जी रहे हैं और अचानक आपको पता चले कि आप किसी पॉपुलर सेलिब्रिटी की तरह दिखाई देते हैं, तो जरूर ही आपकी जिंदगी भी रातों रात बदल जाएगी। कुछ ऐसी ही एना फेथ कार्लन के साथ भी हुआ। दरअसल एना को आइडिया ही नहीं था कि उनकी शक्ल फ्रोजन की पॉपुलर कैरेक्टर क्वीन एल्सा से मेल खाती है। इस बात का एहसास उन्हें तब हुआ जब दिसंबर 2013 में वह एनिमेटेड फिल्म फ्रोजन देखने सिनेमा हॉल में गई। फिल्म देखने के बाद उन्होंने क्वीन एल्सा के पोस्टर के साथ अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। इसके बाद रातों रात एना रियल क्वीन एल्सा के रूप में पॉपुलर हो गई। इनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि एनिमेशन प्रोडक्शन हाउसेस में इन्हें काम मिलने लगा। कई कैंसर पेशेंट्स के लिए भी ये शो करने लगी। आज इनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है और वो एक्टिंग में भी अपना लक आजमा रही है। नंबर 7, लिंगुइनी फ्रॉम रैटाटोई। 2007 में आई रैटाटोई एनिमेटेड फिल्म में लिंगुइनी और रैटाटोई की दोस्ती ने लोगों को खूब हंसाया। इस फिल्म को देखकर जहां लोग काफी एंटरटेन हुए, वहीं उन्हें जोर का झटका तब लगा जब लिंगुइनी का रियल लाइफ डोपलगैंगर सबके सामने आया। जी हाँ, ऐसा भी एक शख्स दुनिया में है जिनकी शक्ल रैटाटोई के लिंगुइनी से हूबहू मेल खाती है। ये है जोशुआ कारपेंटर जोन्स, जिनकी फोटो इंटरनेट पर इतनी वायरल हुई कि इन्हें देखने वाले हर आदमी का यही कहना था कि आप लिंगुइनी कार्टून कैरेक्टर की तरह नजर आते हैं। दिलचस्प बात है कि लिंगुइनी की तरह जोशुआ भी किचन में काम करते हैं और अब उनके दोस्त भी उन्हें जोशुआ बुलाने के बजाय लिंगुइनी कहकर पुकारते हैं। नंबर 6, वू फ्रॉम मॉन्स्टर्स। अगर आप कार्टून लवर हैं, तो डिज्नी की पॉपुलर फिल्म मॉन्स्टर इंक के बारे में जरूर जानते होंगे, जिसमें एक 2 साल की लड़की का कैरेक्टर दिखाया गया था। दर्शक पहली ही झलक में इस क्यूट बेबी को अपना दिल दे बैठे थे, लेकिन असल झटका तो तब लगा जब रियल लाइफ में बू कैरेक्टर जैसी दिखने वाली 8 महीने की बच्ची सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। ये है लॉरा रसोडा, जिनकी 8 महीने की बेटी बू जैसी क्यूट और मासूम दिखाई देती है। शुरुआत में लॉरा बू कार्टून के बारे में नहीं जानती थी, लेकिन फिर उन्हें किसी ने बताया कि उनकी बेटी की शक्ल बू से मिलती जुलती है। बस तभी से लॉरा ने अपनी बेटी को बू की तरह ही तैयार करना शुरू कर दिया। आज ये माँ बेटी काफी फेमस हो चुकी हैं। अगर आप इस मासूम बच्ची को देखेंगे तो यही कहेंगे कि फिक्शन रियलिटी बन चुकी है। नंबर 5,
डोरा द एक्सप्लोरर। डोरा द एक्सप्लोरर वो कार्टून है जिससे हर बच्चे का बचपन जुड़ा हुआ है। इस कार्टून की मेन कैरेक्टर जब भी अपने बैकपैक के साथ सामान ढूंढने निकलती है तो कार्टून देखने वाले बच्चे भी मेंटली अपने आप को उस जर्नी का हिस्सा मान बैठते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि कार्टून कैरेक्टर डोरा को बच्चे काफी हद तक रियल समझते हैं, लेकिन एक बच्ची ऐसी भी है जो बिल्कुल डोरा की तरह दिखती है। इस छोटी सी बच्ची की तस्वीर जब इंटरनेट पर आई तो पहली ही झलक में लोगों ने इसे डोरा द एक्सप्लोरर की कॉपी कहना शुरू कर दिया। एक जैसी शारीरिक बनावट और सेम हेयर कट की वजह से लोगों को ये समझने में देर नहीं लगी कि बच्ची असल में किसी की तरह दिखती है। कुछ ही दिन में लड़की की फोटो लोगों के बीच काफी वायरल हुई। हालांकि सोशल मीडिया से लड़की की ज्यादा तस्वीरें बाहर नहीं आई, लेकिन उसकी डोरा जैसी अपीयरेंस के बारे में सबको पता चल गया। नंबर 4, टार्जन। टार्जन कौन है ये मिलेनियल्स जनरेशन अच्छे से जानते हैं। भारत के बहुत कम ही लोग होंगे जो टार्जन से वाकिफ नहीं होंगे, क्योंकि कोई कैरेक्टर अगर भारत में सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ है तो वो है टार्जन। लेकिन दिलचस्प बात है कि कहानी के इस किरदार की शक्ल एक रियल आदमी से मिलती है और वो आदमी भी हांगकांग के जंगलों में रहता है। ये है जेसन, जो अपने लंबे बाल और सटीक शारीरिक बनावट के चलते काफी कुछ टार्जन की तरह ही दिखाई देते हैं। जब वॉल्ट डिज्नी को इस बारे में खबर हुई तो उन्होंने टार्जन को काम के लिए अप्रोच किया। आज डिज्नी के साथ मिलकर जेसन काफी पैसा कमा रहे हैं, लेकिन जब भी उनका काम पूरा हो जाता है वह हांगकांग में वापस अपने घर लौट जाते हैं। नंबर 3, प्रिंसेस जास्मीन फ्रॉम अलादीन। अलादीन और चिराग की स्टोरी भले ही रियल ना हो, लेकिन इसमें दिखाई गई प्रिंसेस जास्मीन असल में एग्जिस्ट करती है। जी हाँ, इस दुनिया में ऐसी भी एक लड़की है जो हूबहू प्रिंसेस जास्मीन की कार्बन कॉपी लगती है। ओलेंका मिया नोएल एक मॉडल है जिनकी शक्ल देखकर ऐसा लगता है कि भगवान खुद इन्हें प्रिंसेस जैस्मीन बनाना चाह रहे थे। 23 साल की ओलेंका मिया तब पॉपुलर हुई जब एक हैलोवीन पार्टी में जाने के लिए वो प्रिंसेस जैस्मीन की तरह तैयार हुई। उन्होंने ये तस्वीरें अपने सोशल मीडिया पर डाली और कुछ ही देर में लोग उन्हें प्रिंसेस जैस्मीन कहकर पुकारने लगे। वैसे ये पहली ऐसी महिला है जो एक्यूरेटली डिज्नी प्रिंसेस का रियल लाइफ वर्जन लगती है। नंबर 2, मौई फ्रॉम मुआना। 2016 में रिलीज हुई मुआना फिल्म को बेतहाशा प्यार मिला। दुनिया भर में इसे पसंद किया गया। मौई कैरेक्टर को भी लोगों ने स्क्रीन पर काफी पसंद किया, लेकिन सबको असल हैरानी तब हुई जब उन्होंने विलियम को देखा। दरअसल हवाई के रहने वाले विलियम 2018 में काफी पॉपुलर हुए क्योंकि उनकी शारीरिक बनावट और शक्ल मुआना फिल्म के मौई कैरेक्टर से मैच करती है। इनकी पॉपुलैरिटी का सिलसिला तब शुरू हुआ जब दो बच्चों ने इनकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी, जिसके बाद विलियम को दुनिया भर के एनिमेशन कंपनीज काम के लिए बुलाने लगी। एक आम जिंदगी जीने वाले विलियम कुछ ही दिनों में लोकल सेलिब्रिटी बन गए जिन्हें बच्चे काफी पसंद करने लगे। भाई मानना पड़ेगा कि ऐसी किस्मत हर किसी की नहीं होती। नंबर 1, प्रिंसेस एरियल। डिज्नी प्रिंसेस की खूबसूरती और आलिशान महलों वाली जिंदगी देखकर कहीं ना कहीं हर बच्ची एक शहजादी बनने का ख्वाब जरूर देखती है, लेकिन कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जिन्हें भगवान सच में वर्चुअल वर्ल्ड के कैरेक्टर्स जैसा बनाते हैं। अब ट्रेसी हाइंस को ही ले लीजिए, जो बचपन से डिज्नी प्रिंसेस जैसा बनने का शौक रखती थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि बड़े होते होते भगवान उनकी सुन लेंगे और वो सच में कार्टून कैरेक्टर जैसी दिखने लगेंगी। दरअसल ट्रेसी हाइंस की शख्सियत प्रिंसेस एरियल से मिलती है, जो कि एक मरमेड है। इन्होंने ऐसा दिखने के लिए अपने बाल भी लाल करवाए। आज प्रिंसेस एरियल जैसी उनकी रिजेम्बलेंस के चलते ही उन्हें काम मिलता है और वह अच्छे खासे पैसे कमाती है। मेकअप और परफेक्ट अटायर के साथ जब भी ट्रेसी तैयार होती है तो लोग उन्हें प्रिंसेस एरियल ही समझते हैं। तो ये थे हमारे आज के कुछ ऐसे अतरंगी सितारे जिन्हें रातों रात सफलता का स्वाद चखने को मिला। इनकी शख्सियत देख कर लोग कंफ्यूज हो गए कि ये असली है या वर्चुअल रियलिटी। दोस्तों, आपको किस कैरेक्टर की लुक अलाइक ने सबसे ज्यादा हैरानी में डाला, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे कुछ नए और दिलचस्प टॉपिक लेकर, लेकिन जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूले। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कर ले, ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँच सके।